हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। यूके स्टडी सर्कल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज है 13 जुलाई 2020 और इस वीडियो में हम 12 और 13 जुलाई के करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। वीडियो के अंत में हम कल पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और सबसे लास्ट में होगा क्वेश्चन ऑफ द डे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में जनसंख्या नीति किस वर्ष लागू हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए 2000, बी 2001, सी 2002 या डी 2011। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 2002। फ्रेंड्स, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में 20वां स्थान है। यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हरिद्वार है और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला रुद्रप्रयाग है। और 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर 18.81% रहा। आज का दूसरा क्वेश्चन है, किस जीव की गणना के लिए बड़े पैमाने पर हुए कैमरा ट्रैपिंग ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई है? इसके ऑप्शंस हैं ए बाघ, बी हाथी, सी शेर या फिर डी गैंडा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए बाघ। बात आई बाघ की, तो याद करते हुए चलते हैं कि वर्ल्ड टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। हमारे देश में बाघों के सर्वेक्षण का कार्य नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है। भारत में बाघों की संख्या 2967 है और हमारे देश में सर्वाधिक बाघ वाले राज्य पहले नंबर पर मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर कर्नाटक और तीसरे नंबर पर उत्तराखंड है। आज का तीसरा क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 11 जून, बी 11 जुलाई, सी 1 जून या फिर डी 1 अगस्त। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 11 जुलाई। फ्रेंड्स, याद करते हुए चलते हैं कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्थापना 1969 में की गई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के तहत वर्ष 2045 तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। बात करें भारतीय जनगणना की, तो भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी और वर्तमान समय में भारत के वर्तमान महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त विवेक जोशी हैं। फ्रेंड्स, आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में आई भारत नेट परियोजना उत्तराखंड के कितने जिलों में चलाई जाएगी? ऑप्शंस हैं ए 10, बी 11, सी 9 या फिर डी 12। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 12 जिलों में। फ्रेंड्स, भारत नेट परियोजना 2011 में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क योजना के नाम से लॉन्च की गई थी और 2015 में इसका नाम भारत नेट परियोजना रखा गया। उत्तराखंड में भारत नेट परियोजना का यह दूसरा चरण है। इससे पहले हरिद्वार की ग्राम पंचायतों को पहले चरण में जोड़ा गया है और इस परियोजना को केंद्र सरकार की परियोजना यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी असीम पोर्टल का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शंस हैं ए होटल पर्यटक, बी चिकित्सा रोगी, सी शिक्षक छात्र या फिर डी मजदूर उद्योग। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी मजदूर उद्योग। फ्रेंड्स, असीम पोर्टल का पूरा नाम है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉई एम्प्लॉयर मैपिंग और इस पोर्टल को मजदूरों और उद्योगों के बीच सीधा संवाद बनाने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य है प्रवासी मजदूरों को बेहतर रोजगार उपलब्ध कराना और उद्योगों को प्रशिक्षित कामगार उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है, सरकारी भूमि की सुरक्षा करने के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शंस हैं ए उड़ीसा, बी पंजाब, सी मणिपुर या फिर डी त्रिपुरा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए उड़ीसा, जिसका नया नाम ओडिशा है। फ्रेंड्स, सरकारी भूमि की सुरक्षा करने के लिए ओडिशा द्वारा वेब और मोबाइल आधारित समाधान ब्लूइस लॉन्च किया गया है।
इसका पूरा नाम है भुवनेश्वर भूमि उपयोग खुफिया प्रणाली, या फिर इंग्लिश में भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम, BLUIS। फ्रेंड्स, आज का अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा मंगोलियन कंजूर क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए जैन ग्रंथ, बी बौद्ध धर्म से संबंधित पांडुलिपियां, सी बौद्ध धर्म से संबंधित जीव, या फिर डी एक प्रकार की मछली। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से संबंधित पांडुलिपियां। फ्रेंड्स, मंगोलियन कंजूर मंगोलिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। मंगोलियन कंजूर में कंजूर शब्द का अर्थ होता है संक्षिप्त आदेश, और केंद्रीय पर्यटन संस्कृति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के तहत इस ग्रंथ यानी मंगोलियन कंजूर के पुनर्मुद्रण का कार्य शुरू किया गया है और इसे 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलनायर इंडेक्स जारी हुई है, आपको बताना है कि इसमें भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना है, और इसके ऑप्शंस हैं ए अजीम प्रेम जी, बी मुकेश अंबानी, सी शिवनादर, या फिर डी अनिल अंबानी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मुकेश अंबानी। फ्रेंड्स, इस इंडेक्स के अनुसार विश्व में सबसे अमीर व्यक्तियों में सबसे पहले नंबर पर हैं जेफ बेजोस, दूसरे नंबर पर हैं माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, और तीसरे नंबर पर हैं फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग। फ्रेंड्स, जेफ बेजोस amazon.com के संस्थापक, अध्यक्ष और CEO हैं, और इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग मुकेश अंबानी इंडेक्स के 9वें स्थान पर हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, कौन US नेवी की एयर विंग में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है, और ऑप्शंस हैं ए जफारी मिलन, बी रोजमेरी मैरिनर, सी मेडलिन स्विगल, या डी इकॉन अकाची। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी मेडलिन स्विगल। फ्रेंड्स, मेडलिन अफ्रीकी मूल की हैं और वर्तमान में वर्जीनिया की निवासी हैं। फ्रेंड्स, आज का 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, दलाई लामा के जीवन पर लिखी गई किताब हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी किस व्यक्ति द्वारा लिखी गई है? इसके ऑप्शंस हैं ए जंपा कालदेन, बी तेंजिन गेटेथांग, सी लखवा लहामी, या फिर डी केलसांग मेटॉल। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी तेंजिन गेटेथांग। फ्रेंड्स, इस पुस्तक के लेखक तेंजिन गेटेथांग लगभग 40 साल से दलाई लामा के सलाहकार रहे हैं। याद करते हुए चलते हैं कि दलाई लामा का मूल नाम तेंजिन ग्यात्सो है, और वे 1959 से तिब्बत छोड़कर भारत में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रह रहे हैं, और उन्हें 1989 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो फ्रेंड्स, अब बारी है कल के क्वेश्चन की। कल हमने आपसे पूछा था कि भारत के कितने राज्य चीन के साथ सीमा साझा करते हैं, उन राज्यों के नाम भी बताइए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों में हिमांशु, नाजिम और मदन ने इसका बिल्कुल सही आंसर बताया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, तथा एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। फ्रेंड्स, इसे हम इस मैप की सहायता से और अच्छे से समझते हैं। शुरुआत करते हैं पूरब से, तो यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद भूटान शुरू हो जाता है, फिर दूसरा राज्य है सिक्किम, जिसके बाद नेपाल शुरू होता है, और तीसरा राज्य उत्तराखंड, और उसके बाद चौथा राज्य हिमाचल प्रदेश, और सबसे अंत में पश्चिम में आता है लद्दाख, जो कि पहले जम्मू कश्मीर था और अब एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बन गया है। तो ये पांचों 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश चीन से सीमा साझा करते हैं। फ्रेंड्स, अब बारी आती है क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज के क्वेश्चन की। आज आपको बताना है कि उत्तराखंड में बाघों की संख्या कितनी है। आपके ऑप्शंस हैं ए 524, बी 526, सी 445, या फिर डी 542। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपने हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है।
मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।